अगर इनको बताएं, अगर हमारा लिटरेचर इन्होंने लेना है तो उसमें हमारे तो अलग फलसे बहुत सारी किताबें, अखीतम सिराबे रहमतुल्लाह के एक तो खुतबात का सिलसिला है किरता से अबियज के, वो जवाब जो एक किताब लिखी गई थी जमात के खिलाफ उनके ऊपर है, और हर एतराज़ का जो जमात पर होते हैं बड़ी तफसील से और बाहवाला और बड़ा मुदल्लल और मुफसल जवाब है जो अक़दस अखीतम सिराबे रहमतुल्लाह ने अता फरमाया था। उसके अलावा जमात के लिटरेचर में खादम साहब है, अब्दुर्रहमान खादम साहब एडवोकेट थे, उनकी किताब इतफाक़ से यहाँ पढ़ी हुई है, मैं दिखा देता हूँ इनको, ये पाकेट बुक है, इसमें अल्लाह ताला के फजल से ये सारे हवाले और ये सारी बहसें बड़ी तफसील से मौजूद हैं। और इसके अलावा तफ़ीमात रब्बानिया है मौलाना बुलताज साहब की, दीगर हमारे जमात का लिटरेचर है, और अलग अलग भी मौजूदात पर भी पंफलेट भी छपे हुए हैं, किताबें भी छपी हुई मौजूद हैं। तो अगर किसी को दिलचस्पी हो तो हर जगह जहाँ भी ये रहते हैं, अगर कराची में है हमारी वहाँ जमात कराची में मौजूद है, अगर ये वहाँ रब्ता करें तो अल्लाह ताला के फल से इनको मुकम्मल लिटरेचर जी बिल्कुल ठीक है। और मिस अनिला नदीम, मैं भी ये अर्ज़ करता चलूँ कि आप अगर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर हमें दे दें तो हम आपको लिटरेचर पोस्ट करने का करवाने का इंतजाम भी कर सकते हैं। दूसरा, हम आपको ये भी बताते चलें कि आप जो अभी पॉकेट बुक का भी शबीर साहब ने इस तरह का जिक्र किया है, तफ़ीमात रब्बानी मौलाना अबुल्लताह साहब की किताब है, इसका भी जिक्र हुआ है, ये दोनों कुतुब इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, अभी मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था, www.alislam.org हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जमात अहमदिया की, उस पर हमारा बहुत सा लिटरेचर मौजूद है जिसमें ये दोनों कुतुब तो यकीनन वहाँ पे मौजूद हैं। अहमदिया पॉकेट बुक बिलखसूस आपको वहाँ पे मिल सकती है, उसमें आपको तमाम सवालात के जवाब भी मिल सकते हैं। लेकिन आप वहाँ जाएंगी तो आपको मालूम होगा कि वहाँ दरअसल एक ख़जाना है और बहुत से सवालात के जवाब आपको वहाँ पर, ऐसा बेतहाशा लिटरेचर वहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल से मौजूद है कि जिसके अंदर आपको आपके सवालात के जवाब मिलेंगे।